महाराष्ट्र में जब से शिवसेना और बीजेपी के गठबंधन में एनसीपी की एंट्री हुई है तब से सियासी पारा चढ़ा हुआ है। वहीं ऐसे माहौल में नेताओं के बयानों ने सियासी तड़का लगाया हुआ है। राज्य के डिप्टी सीएम देवेंद्र फडणवीस ने शिवसेना और एनसीपी के गठबंधन पर बेहद ही दिलचस्प बयान दिया। डिप्टी सीएम फडणवीस ने कहा कि शिवसेना के साथ बीजेपी का गठबंधन इमोशनल है और वही एनसीपी के साथ पॉलिटिकल अलायंस है। उन्होंने कहा कि जो भी इसमें शामिल होने की इच्छुक है उसका भाजपा स्वागत कर सकती है, लेकिन कांग्रेस जैसी सोच स्वीकार नहीं है। महाराष्ट्र में जब से शिवसेना और बीजेपी के गठबंधन में एनसीपी की एंट्री हुई है तब से सियासी पारा चढ़ा हुआ है। वहीं ऐसे माहौल में नेताओं के बयानों ने सियासी तड़का लगाया हुआ है। राज्य के डिप्टी सीएम देवेंद्र फडणवीस ने शिवसेना और एनसीपी के गठबंधन पर बेहद ही दिलचस्प बयान दिया। डिप्टी सीएम फडणवीस ने कहा कि शिवसेना के साथ बीजेपी का गठबंधन इमोशनल है और वही एनसीपी के साथ पॉलिटिकल अलायंस है। उन्होंने कहा कि जो भी इसमें शामिल होने की इच्छुक है उसका भाजपा स्वागत कर सकती है, लेकिन कांग्रेस जैसी सोच स्वीकार नहीं है। महाराष्ट्र में जब से शिवसेना और बीजेपी के गठबंधन में एनसीपी की एंट्री हुई है तब से सियासी पारा चढ़ा हुआ है। वहीं ऐसे माहौल में नेताओं के बयानों ने सियासी तड़का लगाया हुआ है। राज्य के डिप्टी सीएम देवेंद्र फडणवीस ने शिवसेना और एनसीपी के गठबंधन पर बेहद ही दिलचस्प बयान दिया। डिप्टी सीएम फडणवीस ने कहा कि शिवसेना के साथ बीजेपी का गठबंधन इमोशनल है और वही एनसीपी के साथ पॉलिटिकल अलायंस है। उन्होंने कहा कि जो भी इसमें शामिल होने की इच्छुक है उसका भाजपा स्वागत कर सकती है, लेकिन कांग्रेस जैसी सोच स्वीकार नहीं है।